अबू अबू मेरे सर पे हाथ रख के कसम खाए कि आपने मुझे ही चोरी करते वक्त देखा था। मैंने कड़े चुराते हुए देखा है। लेकिन बेटी तुम्हें नहीं, सादिया। अरे भाई साहब, क्या कह रहे हैं ये आप? भला सादिया अपनी बहन के जेवर क्यों चोरी करेगी? बस मैंने तुम दोनों को अक्सर इरम के खिलाफ साजिश करते हुए भी सुना है, मगर मैं खामोश रहा इसलिए कि तुम लोग संदल के रिश्तेदार थे। तुम लोगों को इज्जत दी, लेकिन अफसोस तुम लोग इसके काबिल ही नहीं। तुम्हें बेटी कहने और बनाने को बहुत शर्मिंदा हूं मैं। निकल जाओ यहां से। अभी इसी वक्त दोनों माँ बेटी यहाँ से निकल जाओ। लेकिन नौमी बेटा, मैं एक लफ्ज और नहीं सुनना चाहता। आप औरत, इसलिए मैं कुछ नहीं कह रहा। अभी इसी वक्त इस घर से बाहर चले जाएं तो ये आपके लिए बेहतर है। और आइंदा इस घर की तरफ अगर भटका तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। गेट आउट, निकल जाओ यहां से। मैंने कहा निकलो यहां से। और हां, अपने सामान की तलाशी देती जाना। बेटा मुझे माफ कर दो, घर के बहकावे में आ गई थी, लेकिन मुझे यकीन नहीं था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। देखो ये कहाँ से आया तुम्हारे पास? तुम्हारे फ्रेंड का है। उसने तुम्हें क्यों दिया? जो बाकी लेकर आया। पापा तो था अरसल। चीची, तुमने चोरी की। अभी तो मेरा बॉक्स ले गई थी। दो मुझे, दो 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 मुझे। अभी पापा को बताती हूँ, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा। बताऊंगी बताऊंगी, 100 दफा बताऊंगी। पापा पापा, क्या हो रहा है? क्यों लड़ रहे हो तुम दोनों? पापा ने मेरा बॉक्स नहीं दे रही। आलिया, दो इसका बॉक्स। छोटे भाई का जरा ख्याल नहीं है तुम्हें? पापा ये इसका नहीं है। जी नहीं, मेरा है। इधर देना ये बॉक्स। अब बताओ ये किसका बॉक्स है? पापा ये मेरा है। नहीं पापा, ये इसका नहीं है, ये मेरी क्लास फेलो का चोरी कर कर आया है। क्या? वो भी तो मेरा बॉक्स ले गई थी। इधर अरसल, तुमने चोरी की? अरसल मैंने पूछा, तुमने चोरी की? हाँ। अब करोगे चोरी? हाँ? अगर अब तुमने चोरी की तो मैं तुम्हारे दांत तोड़ दूंगा, समझे तुम? ये क्या हो रहा है? हमी दिन बाद तमीज होता जा रहा है। चोरी की इसने। अच्छा चल, मैं समझा, तुम जाओ। तुमने क्यों गंदी बातें की? देखो पापा को गुस्सा आ गया, बिलावजा मार खानी पड़ी। गंदा पापा, उन्होंने मुझे मारा है। तुम फिर बदतमीजी कर रहे हो? मैं भी तुमसे नाराज हूँ, बात नहीं करूँगी। मैं भी आपसे बात नहीं कर रहा, आप गंदी हैं।
अरसल कहाँ चला गया ये? दादी, दादी। अबू कल रात की फ्लाइट है मेरी लंदन की। मेरे एक दोस्त के बड़े भाई हैं, डॉक्टर फारूक एजाज, न्यूरो सर्जन है, उनसे मिलूंगा मैं। अच्छा, क्या कहा उन्होंने? कुछ नहीं, संदल की रिपोर्ट उनको दिखाऊंगा। और हाँ, रिपोर्ट से याद आया, कल हॉस्पिटल जाके संदल के सिटी स्कैन की सॉफ्ट कॉपी उठानी होगी। वैसे क्या कहा उन्होंने? दुल्हन ठीक तो हो जाएगी ना? अम्मी वो तो रिपोर्ट देखकर ही बता पाएंगे। बीबी जी, वो अरसल कहीं भी नहीं मिल रहा है, मैंने सारा घर देख लिया है। बेटा शरारत में कहीं छुप गया होगा। अरसल, अरसल, अरसल बेटा। नहीं अबू जी, मैंने हर जगह ढूंढ लिया, वो कहीं भी नहीं है। लॉन में देख लिया है? आई मीन लॉन में। घबराने की कोई बात नहीं है बेटा, आपको अंकल आपके घर तक पहुंचा देंगे। आप बस इतना बता दो बेटा, गेट का कलर तो याद होगा ना? हाँ, पार्क के सामने वाला घर है। पार्क के सामने वाला घर है, आ जाओ फिर, मैं अभी अंकल तुम्हारे घर पहुंचाते हैं, आ जाओ। अरे अरसलान बेटा, तू अचानक मेरे पास आ गए, छोटे दादा के पास। आपकी तारीफ जनाब। सर मेरा नाम आसिफ है, ये बच्चा बाहर घूम रहा था, इसने यहाँ का एड्रेस बताया, मैं इसको यहाँ लेके आ गया। अरे बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया आपका, बड़ी नवाजिश आपकी, आप इसे यहाँ ले आए, थैंक यू जी। वो अरे नहीं सर, क्या कर रही है तुम, फर्ज था मेरा, ठीक है। अच्छा, बड़ी नवाजिश, बड़ी नवाजिश। अल्लाह अल्लाह हाफिज जी। हाँ तो अचानक क्यों छोटे दादा के पास आ गए? तुम्हें घर याद था? हाँ बहुत अच्छा। अच्छा बताओ क्या खाओगे, बिस्किट या चॉकलेट? चॉकलेट। चॉकलेट, बैठो मैं ले आता हूँ। अरसल आपकी तरफ तो नहीं आया ना? पता नहीं कहाँ चला गया है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। आप देखिएगा, अगर अगर पता चले ना प्लीज मुझे कॉल कर लीजिएगा फौरन। आप जी 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 फौरन कॉल कीजिएगा आप। ओके ओके, थैंक यू वेरी मच। अब रोमी बेटा, कुछ पता चला? नीरम बाजी, थोड़ा सा खाना खा लें, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया है। नहीं, मुझे भूख नहीं है। अच्छा थोड़ा सा तो खा लेना। नहीं, जब तक अरसल नहीं वापस आ जाता मैं कुछ नहीं खाऊं। ये खाना ले जाओ। लो बेटा मुंह खोलो। दिल नहीं चाह रहा दादी। हाँ बेटा, किसका दिल चाहेगा,
अरसल ने खाना भी खाया होगा या नहीं। दादी आपको पता है अरसल मामा को सुबह से याद कर रहा था। परेशान ना हो मेरी बच्ची, अरसल जहां भी होगा सही सलामत होगा और इंशाल्लाह ताला जल्द वापस आ जाएगा। मेरे अरसल को अपने हिफ्ज़ो अमान में रखना, सलामती से वापस आना। मैं जाऊंगा ही नहीं वहां। बेटे घर में सब परेशान हो रहे होंगे, पापा परेशान हो रहे होंगे, ढूंढ रहे होंगे तुम्हें। पापा भी गंदे, उन्होंने तो मुझे मारा है। अच्छा छोड़ो पापा को, दादा दादी तो ढूंढ रहे होंगे ना। दादा दादी भी गंदे हैं, दादी ने मुझे गंदा बच्चा कहा। अच्छा चलो दादा दादी को भी छोड़ देते हैं। आलिया परेशान हो रही होगी, रो रही होगी तुम्हारे बगैर। उन्होंने तो मेरी शिकायत की है पापा से, लेकिन वो अच्छे हैं, उनको ना प्यार से समझाइएगा। ठीक है मैं सख्ती से उसे समझा दूंगा। सख्ती से नहीं ना दादा, वरना वो रोएगी। अच्छा सख्ती से नहीं, बड़े आराम से समझाएगी। ठीक है आप ना दोनों को ना यहीं लें, मैं यहीं रहूंगा। बस कह रहा हूँ ना छोटे दादा प्लीज ले आए। प्लीज प्लीज चलो ठीक ठीक है, सबको ले आएंगे। जो हुकुम मेरे राजा, जो हुकुम। मैंने थाने में रिपोर्ट लिखवा दी है और तस्वीर भी दे दी अरसल की, कार्रवाई शुरू कर दी उन्होंने। इंशाल्लाह बेटा बहुत जल्दी पता चल जाएगा। ना अंधेरा हो गया, पता नहीं कहाँ भटक रहा होगा। सुंदर बताया करती थी वो उसके साथ बाजार जाता था और हर वक्त हाथ पकड़ के रखता था, कहता था मामा मैं कहीं गुम ना जाऊं। चलो बेटा अंदर चलो। कास्मी, Thank you.
अबू बचपन से आप ही ने तो सिखाया है, अगर किसी की खुशी के लिए खुद को कुर्बान कर दिया जाए तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। यही तो किया है मैंने। अबू मैं जानती हूँ अब मुझसे बहुत नाराज है। आपका और मेरा ये रिश्ता अगर आप चाहे भी तो नहीं टूट सकता। आपका मेरा ये बाप बेटी का रिश्ता बहुत मजबूत है अबू। क्या इन मासूम बच्चों के चेहरों पर बिखरा खौफ और बेबसी भी आपको मेरे बेगुनाह होने का एहसास नहीं दिलाती अबू? जिंदगी और मौत से लड़ती हुई इनकी माँ, कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। आपका दिल अब भी नहीं पिघलेगा अबू? मेरे लिए ना सही अबू, हालात की तपिश ने इन मुरझाए फूलों को देखे उनके लिए सही। काफी दिनों से मैं नोट कर रही हूँ, घर का हर काम वो ऐसी जिम्मेदारी से करती है जैसे सालों से इसी घर में रहती हो। हमारी दवाएं, खाना पकाना, बच्चों को संभालना, लिखना पढ़ाना या नौमी की जिम्मेदारियां, हर काम फटाफट करती है। मजाले जो कभी कुछ भूल जाए। अब जरा बच्चों से पूछ कर देखें, पूरे घर में उन्हें इरम आंटी अच्छी लगती है। कितना लड़ी हो नौमी से अरसल को मारने पर, वो अरसल की माँ तो नहीं, लेकिन जिस तरह वो रोई है तड़पी है, वाकई उसने साबित कर दिया वो इस घर में और हमारे दिलों में मुकाम हासिल करने की हकदार। संदल का दूसरा रूप है, बल्कि शायद संदल से भी ज्यादा। ठीक है तुम। अरसल बेटा, आप तो इतने प्यारे बच्चे हैं, इतने बहादुर हैं, फिर आपने शैतान की बात कैसे मान ली? आपको पता है किसी की चीज को बगैर इजाजत हाथ लगाना कितनी बुरी बात है? और दूसरी गंदी बात, पता है शैतान ने आपसे क्या करवाई है? आपने पापा से मिसबिहेव किया है, बहुत बुरी बात है। और तीसरी बात पता है आपने क्या किया है? आप बिना बताए घर से चले गए, पता है? सब आपको ढूंढ रहे थे, कितना परेशान हो रहे थे, और पापा कितना रो रहे थे। कितनी बुरी बात है इस तरह चले जाना। रो रहे थे, मुझे मारो क्यों? देखो बेटा, मामा कितने दिनों से हॉस्पिटल में हैं और पापा कितने परेशान हैं उनकी वजह से। आप लोगों को तो उनका साथ देना चाहिए ना, ताकि वो जल्दी जल्दी मामा को ठीक करके घर ले आए, उनका ख्याल रख सके, है ना? मामा कब आएंगी? आ जाएंगी बेटा, बहुत जल्द आ जाएंगी। लेकिन उसके लिए आपको सारी गंदी बातें छोड़ना होगी और सबकी बात माननी होगी, और हाँ, पापा से सॉरी भी करना होगी। ओके? मैं नहीं करूंगा सॉरी। मेरे कहने से भी नहीं करेंगे सॉरी? नहीं। मेरा प्यारा बेटा नहीं है, है ना? गुड बॉय। अस्सलाम वालेकुम भाई साहब। अरे भाभी साहब, आप बैठे बैठे। मैं बैठने नहीं आई हूँ भाई साहब, आपको लेने आई। भाभी साहब, आपने बहुत मान बहुत इज्जत दी है अपनी भाभी साहबा को, और मुझे यकीन है कि आप ये मान नहीं तोड़ेंगे। आपने खुद जहमत की है तो मुझे कोई एतराज नहीं, मैं चलने को तैयार हूँ। आंटी की तबीयत तो ठीक थी ना? हाँ बेटा, तबीयत ठीक है। थक गई होंगी, वरना मैंने कभी उन्हें इतनी देर तक सोते हुए नहीं देखा। मैं देख कर आती हूँ। अब बेटा वो कमरे में नहीं है,
कमरे में नहीं है, कहाँ चले गई सुबह सुबह? जरूरी काम था, अभी आ जाएंगी। जिया लो बेटा आ गई। देखो मैं किसको लाई। ये भाई साहब आए अब्बू। बहुत बेवफा हो दोस्त। हाँ हाँ बैठो हाँ बैठो। अब्बू मैं आपके लिए चाय बना कर लाती हूँ। तुम रहने दो, इतने दिनों बाद तुम्हारे अब्बू आए, तुम उनके साथ बैठो, मैं चाय बना के लाती हूँ। आप रहने दे भाभी साहब, किसी को बनाने दे, आप तकल्फ न करें। वैसे भी इसके हाथ की बनी हुई चाय पिए हुए मुझे बहुत दिन गुजर रहे हैं। कैसे हो काश्मी? I'm fine, I'm okay. देख लिया काशु, डेढ़ महीना हो गया यही हालत है दुबित की, ना आंखें खोलती है और ना ही बातें करती है, जिंदा लाश हो गया है। पता नहीं अब इसमें जान आएगी भी कि नहीं। तुमने मायूसी की बातें कब से करना शुरू कर दी? इंशाल्लाह दुल्हन हमें छोड़ कहीं नहीं जाएगी, ठीक हो जाएगी, फिर हंसेगी बोलेगी हमसे बातें करेगी तो तुम्हारे घर की वही रौनक लौट आएगी। बस अब चलो मेरे साथ, तुम्हें कैंटीन में अच्छी सी कॉफी पिलाता हूँ और मायूसी की बातें नहीं करते। मेरा बच्चा कैसे हो मेरे बेटे, ठीक हो? वेलकम बेटा वेलकम। Thank you.
क्या बात है आज आप फिर गहरी सोच में नजर आ रही है। आपको शायद याद नहीं, आज नौमी और संदल की शादी की सालगिरह है। पूरे 12 साल गुजर गए हैं आज। हाँ, वक्त बहुत जल्दी गुजर गया। क्या पता था कि तुरंत आज ही सालगिरह होगी। मुझे तो यकीन नहीं आता बाजू का, ऐसा लगता है कोई डरावना ख्वाब है जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। काश ये ख्वाब ही होता। आप बोलती और दुल्हन को सही सलामत देखते हैं। हमारा नबी बहुत हिम्मत वाला है, अल्लाह उसे और हिम्मत दे। आमीन। नौमी, मुझे दीजिए आपकी कॉफी। थैंक यू। कॉफी पी के कप यहीं रख दीजिएगा, मैं सुबह उठा दूंगी। अभी मैं बच्चों को सुलाने के लिए जा रही हूँ। इरम जी बैठना जरा। और मेरे पीछे सब कुछ ठीक रहा? जी। तुम मुझसे नहीं पूछोगी वहां मैं मेरा काम कैसा रहा? कैसा रहा? इरम, इससे पहले कई बार मैं ट्रिप्स पे गया हूं, लेकिन इस बार गया तो न जाने मैं बहुत अजीब फील कर रहा था। मतलब? मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कि मैं अपनी बहुत ही कोई कीमती चीज, अपनी जान से ज्यादा अजीज चीज को भूल आया हूं कहीं पे। तनुमी, आपको अपनी चीजों की हिफाजत करनी चाहिए थी ना, और फिर आप इतने मसरूफ भी तो होते हैं। इरम, मैं किसी साजो सामान की बात नहीं कर रहा हूं। है? मैं किसी हस्ती की बात कर रहा हूं, किसी इंसान की बात कर रहा हूं जो मेरे पास नहीं है। यानी कि आप संदल की बात कर रहे हैं? नहीं रम, मैं संदल की नहीं, तुम्हारी बात कर रहा हूं। मेरा मुझे एहसास ये नहीं हुआ कि मैं तुमसे इतने दूर रहते रहते न जाने कब तुम्हारे इतने करीब आ गए। नौमी, आपका और मेरा ये रिश्ता सिर्फ तब तक के लिए है जब तक संदल से ठीक होकर नहीं आ जाती, यही तय हुआ था ना? हाँ, तय तो यही हुआ था। इरम, तुम कागज के रिश्ते की बात कर रही हो, वो रिश्ता जो कागज पे तय हुआ था, लेकिन इरम, रिश्ते कागज पे नहीं दिलों में जुड़ते हैं, और सिर्फ तुमसे चंद दिन दूर रहकर मुझे एहसास हो गया कि मेरा रिश्ता तुमसे बहुत मजबूत हो चुका है। फिर मैं हमेशा ये समझता था कि संदल के सिवा मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हो सकती, मगर ऐसा नहीं हुआ, मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है। किरण, ये सच है कि मैंने अपने आप को तुमसे दूर रखने की बहुत कोशिश की, मैंने अपने आप को बहुत समझाया कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए, लेकिन यार तुम्हारी कशिश, तुम्हारे प्यार ने मुझे हरा दिया, मैं हार गया। अरे इरम, 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 क्या हुआ इरम? इरम, I'm sorry, शायद मेरी बात तुम्हें बुरी लग गई, प्लीज मुझे माफ कर दो, प्लीज प्लीज आइंदे तुम्हारा दिल इस तरह नहीं दुखाऊंगा। आप सच कह रहे हैं ना? आप सच कह रहे हैं ना रूम? बिल्कुल सच, खुदा की कसम बिल्कुल सच, लेकिन प्लीज प्लीज तुम रो मत। जिंदगी में पहली बार किसी ने इस तरह से मुझसे प्यार का इजहार किया, मुझे रोना आ गया। क्या आज आपने मुझे मेरे होने का एहसास दिला दिया?
आज आपने अपने दिल में मेरी हैसियत, मेरा मकाम, मेरी जगह बताई तो तुम इसलिए रो रही थी? तुम सच कह रही हो। थैंक गॉड। दिल को बना है मिली, तुझको भुला।